नमस्कार दोस्तों, भारत का सच्चा मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते एक बार फिर से भारत को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया है। और बड़ी बात तो यह है कि जिसका डर चीन को पिछले 4 साल था दोस्तों, उसे कहीं गुना खतरनाक फैसला लिया है। तिब्बत को आज़ाद करने का फैसला ले लिया है, तिब्बत को एक अलग देश बनाने का फैसला ले लिया है। और दोस्तों, ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल पास किया है और पूरे दुनिया को हिला दिया है, चीन को चौंका दिया है। चीन बोल रहा है कि अमेरिका ने आग से खेल दिया, अमेरिका के पास अभी भी 1 महीना का वक्त देते हैं, अमेरिका इस बिल को पीछे ले, नहीं तो अब केवल जंग होगा, अब हम कुछ नहीं मानेंगे। जिस प्रकार अमेरिका हम पे प्रतिबंध लगाता है, उससे कहीं गुना खतरनाक प्रतिबंध हम अमेरिका पे लगाएंगे। दोस्तों, चाइना बोल रहा है कि अमेरिका ने यह क्या कर दिया, पहले तो केवल बयानबाजी करता था, अब डोनाल्ड ट्रंप हम पे बहुत ही खतरनाक प्रहार किया है, ये तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तिब्बत हमसे अलग हो जाएगा तो हम देश काहे के रहेंगे, हम तो छोटा बन जाएंगे, हमारा क्या वैल्यू होगा। अमेरिका इस फैसले को पीछे करे, ट्रंप समझदार बने, नहीं तो अब की बार आर्य पार होगा। दोस्तों, आखिरकार हुआ क्या है आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा। और बड़ी बात तो यह है कि इससे भारत को दोस्तों जबरदस्त फायदा हुआ है। आप कह सकते हैं कि भारत दोस्तों अब युद्ध नहीं लड़ेगा, दोस्तों भारत अब दूसरे कंधे पर रख के बंदूक चलाएगा। कह सकते हैं कि अमेरिका और चीन दोस्तों आपस में लड़ेगा और मरेगा, और भारत दोस्तों यहाँ पे अपना मजा लेगा। और दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन अब खत्म हो जाएगा। आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया है। दोस्तों, रसिया को भी यकीन नहीं हो रहा है, फ्रांस को भी यकीन नहीं हो रहा है, और चीन दोस्तों सदमे में जा चुका है। इसलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए। देखिए, आप जानते हैं 70 साल से जिस प्रकार तिब्बतियन ने पूरे दुनिया में तिब्बत का झंडा उठाया है, और बड़ी बात तो यह है कि चाइना को एक आक्रमणकर्ता बताया है। दोस्तों, वर्तमान में तिब्बत को जिस प्रकार समर्थन मिल रहा है, और बड़ी बात तो यह है कि तिब्बत के लोग अपने देह में आग लगाता है दोस्तों, अपने शरीर में आग लगा के दुनिया को बोलता है कि हमें बचा लो, हम तो जा रहे हैं, हमारे बच्चों को बचाना। दोस्तों, तिब्बत का दशा देखकर दोस्तों दुनिया आज रो रहा है, और बड़ी बात तो यह है कि तिब्बत को समर्थन मिल रहा है। चाइना को पिछले कई साल से डर लगने लगा है कि आखिरकार सचमुच में अब तिब्बत आज़ाद न हो जाए, क्योंकि तिब्बत का तो भयंकर समर्थन मिल रहा है। अब दोस्तों, चाइना जानता है कि हमसे कुछ नहीं होगा, 70 साल में हमारा आर्मी ने लाखों तिब्बतियों को मारा। दोस्तों, ये सच है, कम से कम 20 से 30 लाख तिब्बतियों को अभी तक मारा गया है, ताकि वो अपना आवाज दबा सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। दोस्तों, चाइनीज आर्मी परेशान हो चुका है, चीन को अब एक ही बात समझ में आ रहा है कि अब हम एक ही उपाय अपनाएंगे, वहाँ पे दलाई लामा बदलेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं तिब्बत के जो लोग हैं ना, तिब्बत के जो बुद्धिस्ट लोग हैं दोस्तों, वहाँ में बुद्धिस्ट धर्म है, वे सारे लोग अपने दलाई लामा को सबसे बड़ा धर्म गुरु मानता है। इतना ही नहीं, वह उसे भगवान मानता है। इतना ही नहीं, वो कहता है कि उनका पुनः जन्म हुआ है, हम लोग को बचाने के लिए हुआ है। दोस्तों, अगर आज भी दलाई लामा यानी कि जो 14वें दलाई लामा जो भारत में दोस्तों, वो आज भी कह दे कि तिब्बत के तमाम लोग चीन के खिलाफ विद्रोह ना करें, दोस्तों तिब्बत के तमाम शरणार्थी जहाँ भी हो, चाहे नेपाल में हो या फिर भारत में हो या अमेरिका में हो या फिर कहीं भी हो दोस्तों, वो ऑटोमेटिक दोस्तों विद्रोह रोक देगा और खासतौर पर चीन का समर्थन कर देगा। यानी कि इतना पावर दलाई लामा में है। दलाई लामा जो बोलता है लोग वही करता है। दलाई लामा बोले कि चलो चीन स्वीकार कर लो, तो सब चीन स्वीकार कर लेगा। यानी कि दोस्तों, दलाई लामा के हाथ में सब कुछ है, ये बात चीन जानता है। वो जानता है कि अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दलाई लामा बदलना, क्योंकि ये दलाई लामा बहुत ही क्रूर है और खतरनाक है, हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। और दोस्तों, इसीलिए चाइना ने इस दलाई लामा को आतंकवादी बोल दिया है कि ये तो विद्रोही है, ये तो अलगवादी है, ये तो हमारे देश में अत्याचार कर रहा है, ये तिब्बतियों को भड़का रहा है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब दोस्तों, आप पूछेंगे ये कैसे संभव है कि चीन दलाई लामा को बदल देगा, ये तो भारत में है और कैसे बदल देगा, क्योंकि तिब्बत के लोग उसे अपना भगवान मानता है, ये संभव है ही नहीं। दोस्तों, ये संभव है, इसीलिए पूरे दुनिया आज चौंकना है, अमेरिका से लेकर फ्रांस भारत सब आज चीन पे खासतौर पे एक्शन लेने के लिए तैयार है। दोस्तों, आप जानते हैं चाइना को ये बात पता है कि वर्तमान में जो दलाई लामा है ना, उसका एज कितना है, 84 साल हो चुका है। यानी कि वर्तमान में जो दलाई लामा जो भारत में है, उसका एज कितना है, 84 साल हो चुका है। और दोस्तों, वे 14वें दलाई लामा है, यानी कि दोस्तों तिब्बत में कम से कम 1000 साल से ये प्रक्रिया रहा है, ये खासतौर पे संस्कृति रहा है कि दलाई लामा का पूर्ण जन्म होता है। यानी कि लगातार दोस्तों 1000 साल से ये हो रहा है, और अब तक कम से कम 13 यानी कि दलाई लामा जा चुका है। ये जो वर्तमान जो दलाई लामा है दोस्तों, वे 14वें दलाई लामा है, कह सकते हैं कि 14वें दलाई लामा है।
अब क्या हुआ, उसका ये तो 84 साल हो चुका है, तो आने वाले 10 से 12 साल बाद दोस्तों ऑटोमेटिक उसका दोस्तों मृत्यु हो जाए, क्योंकि दोस्तों आमतौर पे आदमी 100 साल के अंदर में दोस्तों आजकल निपट जाता है। तो उसके बाद दोस्तों क्या होगा, तिब्बतियों के लिए अब 15वें दलामा आएगा, यानी कि 15वें दलाई लामा आएगा। दोस्तों ये बात चीन जानता है और यहीं पर चीन अब खेल करना चाहता है, और चीन चाहता है कि अब की बार जो दलाई लामा आए वो हमारे अंदर हो और चीनी हो, और वो दलाई लामा सबको आदेश दे, तिब्बतियों को आदेश दे कि तुम लोग ये जो विद्रोह छिड़े हुए तो शांत हो जाओ, क्योंकि दलाई लामा के बाद कोई काटेगा नहीं और ऑटोमेटिक तिब्बत का विद्रोह खत्म हो जाएगा और तिब्बत हमारा राज्य बन जाएगा और हम एक विशाल देश बन जाएंगे, तिब्बत कभी भी आज़ाद नहीं होगा, हमारा गुलाम रहेगा। दोस्तों चीन इसी पर अब काम करने पर तुला हुआ है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार चीन कैसे नए दलाई लामा यानी कि 15वें दलाई लामा को हाईजेक करना चाहता है और क्यों उसे अपने अंदर लाना चाहता है और ये कैसे संभव होगा। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं आखिरकार दलाई लामा चुना कैसे जाता है, कैसे बताता है कि ये हमारा गुरु है, भगवान हुआ, ये हमारा दलाई लामा हुआ। मान लेते हैं जो आज 14वें दलाई लामा है उसका मृत्यु हो जाए तो कैसे अचानक वो पुनर्जन्म लेगा, कैसे वो बीच में आएगा, हमारे बीच में आएगा, क्या प्रक्रिया है। दोस्तों पहले हम लोग प्रक्रिया जानते हैं, जो प्रक्रिया दोस्तों हजारों साल से तिब्बत में होते आए वही मैं बताऊंगा आपको, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, जो प्रक्रिया हजारों साल से होता है वो बता रहा हूं। देखिए तिब्बत में जैसे ही पहले दलाई लामा का मृत्यु होता था तुरंत वहाँ पे तिब्बत के जो आम लोग हैं उसे जलाता था, दोस्तों उसे आग से जलाता था, और बड़ी बात तो यह है कि उसे चारों ओर घेर लिया जाता था, यानी कि वहाँ के जो आम लोग हैं, और बड़ी बात तो यह है कि तिब्बत में जो दलाई लामा होता है उसे छोटा दोस्तों हाई लामा पद होता है, यानी कि हाई लामा के बहुत सारे मेंबर खासतौर पे उस अग्नि को घेर लेता है और सबको बोलता है कि तुम उस धुएं को देखो, यानी कि उस अग्नि से जो धुआं निकल रहा है वो किधर जा रहा है, वो उत्तर में जा रहा है या दक्षिण में जा रहा है या फिर पूर्व में जा रहा है या पश्चिम में जा रहा है, किधर जा रहा है। और दोस्तों वो जो सारे हाई लामा होते हैं, तमाम लोग होते हैं, जिधर धुआं जाता है ना उधर ही दोस्तों अपने आदमी को भेजता है और बोलता है कि तुम पता लगाओ कि तमाम तिब्बत में आखिरकार उस दिन कौन सा बच्चा पैदा हुआ है, यानी कि जिस दिन हमारे दलाई लामा का मृत्यु हुआ था उसी दिन कितना बच्चा पैदा हुआ। दोस्तों वो किधर, जिधर उस धुआं को दिखाता उधर बोलता है, जिधर वो धुआं जाता है उधर अपने आदमी को भेजता है और जितना बच्चा पैदा हुआ होता है सबको इकट्ठा करता है और सबके सामने में जो दलाई लामा मर चुका होता है उसका ड्रेस दिखाया जाता है, उसका जूता दिखाया जाता है, उसका पगड़ी दिखाया जाता है, और जो बच्चा उसके कपड़ों से अट्रैक्शन होता है या फिर उसके कपड़े को देख के मोहित होता है या फिर उसके देखे दोस्तों कुछ रिएक्शन दे, या फिर दोस्तों बहुत सारा प्रक्रिया है, अगर उसमें बच्चा पास हो जाए दोस्तों उसी दिन समझ जाता है कि आखिरकार यही बच्चा का पूर्ण जन्म हुआ है और यही हमारा दलाई लामा है। दोस्तों ये प्रक्रिया तिब्बत में हजारों साल से चला आ रहा है। अब चलिए हम जानते हैं आखिरकार चीन कैसे यहाँ पे उलटफेर करना चाहता है और कैसे दलाई लामा को बदलना चाहता है, हम लोग अब एक एक पॉइंट जानते हैं। दोस्तों यहीं पे पूरा खेल छिपा हुआ है और इसीलिए यूएसए ने, अमेरिका ने बिल पारित किया है। देखिए चाइना शुरू से कह रहा है कि वर्तमान में जो दलाई लामा है जो भारत पे रहता है उसके मरने के बाद जो दलाई लामा बनेगा ना वो तिब्बत का ही होगा, क्योंकि तिब्बत में हजारों साल से संस्कृति रहा है कि वहाँ का ही लोग दलाई लामा बनता है, इसीलिए आने वाले समय में दलाई लामा बनेगा तो हमें खुशी होगा जो तिब्बत का होगा। दोस्तों ये चीन कहता है, चीन दोस्तों चाल चल रहा है, चीन को लगता है कि जैसे ही तिब्बत में दलाई लामा पैदा होगा, पुनर्जन्म होगा, उसको तुरंत हम क्या करेंगे, उसका ब्रेन वॉश कर देंगे, उसके माता पिता को पैसा दे देंगे और बच्चे को खूब पैसा देंगे, खूब दुलार करेंगे और बच्चे को बोलेंगे कि आने वाले समय में सबका दिमाग वॉश करो, जितना भी तिब्बत शरणार्थी है सबको शांत करो, सबको बोलो कि चीन को स्वीकार करो, क्योंकि दोस्तों जैसे ही नया दलाई लामा आएगा चीन उसे तिब्बत से हाईजेक करेगा, क्योंकि चीनी सैनिक वहाँ पर लड़ी पड़ा हुआ है, चीन दोस्तों उसे प्यार से हाईजेक करेगा, पैसा दे के उसे खरीदेगा और बाद में तमाम तिब्बतियों को दोस्तों ब्रेन वॉश कर देगा और तिब्बत का जो आज़ादी का जो डिमांड चल रहा है दोस्तों वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों तिब्बत के लोग केवल एक ही बात सुनता है, वो दलाई लामा का बात है, चाहे दलाई लामा कैसा भी हो, कहीं का भी हो, और इसीलिए चीन दोस्तों चाल चल रहा है। अब यहाँ पे खेल यह हो रहा है कि वर्तमान में जो 14वें दलाई लामा है उनका कहना है कि ये कैसे संभव है, हम तो आज इंडिया में हैं तो ये कैसे संभव है कि हम जैसे ही मरेंगे तो तिब्बत में दूसरा पैदा ले लेगा, हम इंडिया में मरेंगे तो हमारा धुआं तो इंडिया में ही जाएगा ना और हमारा जो हाई लामा है वो हमें इंडिया में ही खोजेगा ना, तिब्बत में कैसे पैदा होगा। दोस्तों उनका कहना है कि ये ज़रूरी नहीं है, दलाई लामा जहाँ मरता है वहीं पे आसपास में बच्चा जन्म लेता है, तो हम जैसे भारत में मरेंगे मृत्यु होगा उसके बाद हमारा जो
आने वाले समय में दलाई लामा बनेगा, जो हमारा जो अंश होगा वो भारत में ही होगा। दोस्तों ये आज का दलाई लामा कह रहा है, अपने खास तौर पे सारे अनुयायियों को बता रहा है कि हम जैसे ही मरे तुम तिब्बत में मत विश्वास करना, ये जो पैदा होगा वो भारत में ही पैदा होगा, क्योंकि हम तो ऑलरेडी भारत में जलाए जाएंगे, हमारा धुआं यहीं पे होगा और सब हमको भारत में ही खोज जाए। इतना ही नहीं, आज के जो 14वें दलाई लामा है उनका कहना है कि आने वाले समय में जैसे ही हमारा मृत्यु हो जाए उसके बाद आप लोग देखेंगे एक दलाई लामा हमारा ओरिजिनल लगा जो भारत में होगा, दूसरा रहेगा चाइना में, यानी कि चाइना खुद से उसे तैयार कर देगा, बोले अगर तिब्बत में है तो आने वाले समय में दो दो दलाई लामा होगा। तो हम अभी कह के जाते हैं कि तुम लोग तिब्बत में जो दलाई लामा होगा उस पर विश्वास मत करना, जो भारत में होगा उसी में विश्वास करना, क्योंकि ओरिजिनल वही है, क्योंकि हमारा मृत्यु तो भारत में होगा। दोस्तों उनका कहना है कि चीन का ये चाल रहेगा, जिस दिन तुम चीनी चाल में फंस जाओगे और चीन का जो दलाई लामा उसे तुम एक्सेप्ट कर लोगे, उसी दिन तिब्बत का आज़ादी खत्म हो जाएगा और तुम्हारा कहानी खत्म हो जाएगा। और इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक खतरनाक बिल पास कर दिया है, बोल दिया है कि हम रहे न रहे जिस दिन दलाई लामा पद का नियुक्ति होगा, प्रक्रिया होगा, जिस दिन उसका खोज होगा, जिस दिन कुछ भी होगा, तो अमेरिका वहाँ पर जाएगा, चीन को ये स्वीकार करना होगा, अमेरिका के सामने में ही दलाई लामा चुना जाएगा। जबरदस्ती चीन किसी को नहीं दे सकता है, दबाव में किसी को स्वीकार नहीं करवा सकता है कि इसे तुम दलाई लामा चुन लो, इसे तुम मान लो, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। निष्पक्ष होगा, चाहे तिब्बत के लोग जिसे चुने वही होगा। दोस्तों अमेरिका ने वही बिल पारित किया है और बोला है कि चीन अगर इस बिल को खासतौर पर हमारे बात को ठुकराता है, जबरदस्ती किसी और दलाई लामा को लाता है, तो उस समय हम चीन पे कड़े से कड़े एक्शन लेंगे जो इतिहास में कहीं नहीं लिया गया हो, चीन को हम बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, चीन को हम ध्वस्त कर देंगे। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि तिब्बत का जो आज़ादी का मांग है वो हमेशा आगे बढ़ता रहे, ताकि आने वाले समय में तिब्बत अलग हो जाए और चीन टूट जाए। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए इतना खतरनाक बिल पारित करके जा रहा है, वो जानता है कि अगर हम अभी ये बिल पारित नहीं करेंगे तो आने वाले समय में तिब्बत का जो आज़ादी का मांग है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि चीन उस पर बहुत लंबा प्लान चल रहा है।